डियर स्टूडेंट्स, अब जो एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारा, थोड़ा लेंथी जरूर है, लंबा है क्वेश्चन ये, परंतु बोर्ड पर सभी वीडियो में देखोगे कि इसमें एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3ax² बराबर 0, ये आपको दिया गया है। हमें ये सिद्ध करना है d2y / dx2 प्लस 2a² x² / y^5 बराबर 0। तो इसको हम किस प्रकार अवकलन करेंगे इसका, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे कि dy/dx का पद विलोप कर रहा है, ये कर रहा है ना, y वाला दे रखा है d2y / dx2 का। तो जब भी हम dy/dx ज्ञात करेंगे, वो प्रतिस्थापित कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन। देखिए बच्चों कि दिया गया है सॉल्यूशन, दिया गया है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब 3ax² बराबर 0। दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। एक्स की क्यूब का अवकलन 3x², वाई की क्यूब का पहले वाई के सापेक्ष 3y², फिर क्या करेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा dy/dx, फिर 3ax² घात आगे 3 ए अचर पद है, एक्स स्क्वेयर का अवकलन करते हैं 2x होता है, तो 3 दुआ कितना आ जाएगा 6ax बराबर 0। समझ में आ गई बात, 3 इसमें देखो बच्चों कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन या उभयनिष्ठ, तो 3 इसमें कॉमन ले लेंगे x² y² dy/dx 2ax बराबर 0। 3 0 के भाग में जाएगी संख्या, 0 में कोई भी संख्या भाग में देते हैं क्या आता है, 0 आ जाता है। फिर देखो y² implies that dy/dx x² प्लस 2ax, ये माइनस में जाएगी, x² प्लस 2x, क्यों कर रहे हैं हम पक्षांतरण, क्योंकि हमें dy/dx के बराबर लेना है, ये y² गुणा में है, वो इसके डिवाइडेड भाग में चल जाएगा, किसमें चल जाएगा भाग में, तो dy/dx माइनस x² प्लस 2ax अपॉन y² ये आ गया। समझ में आ गई बात, समीकरण नंबर 1 पुट ये देखो। अब हम क्या करेंगे, एक बार और x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे द्वितीय कोटि का। क्यों करेंगे अवकलन, क्योंकि हमें d2y/dx2 ज्ञात करना है, तो एक बार और अवकलन करेंगे d2y/dx2, तो देखो हर का वर्ग y² का वर्ग कितना हो जाएगा y^4, y² को रख देंगे गुणा माइनस चिन्ह है, माइनस आगे ले लिया, अंश का अवकलन x² का अवकलन 2x, 2ax का अवकलन क्या आएगा, x का अवकलन 1 गुणा में 2a है, तो 2a आ जाएगा। समझ में आ गई बात, फिर देखो माइनस अंश, माइनस क्या है अंश, माइनस तो सूत्र में लगता है, फिर माइनस का है x² प्लस 2ax, फिर किसका अवकलन करेंगे हर का अवकलन, हर क्या है देखो बच्चों y² पहले y के सापेक्ष, तो 2 आगे आ गया 1 कम, फिर y का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, इस प्रकार होगा। समझ में आई ये बात, हर का वर्ग हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, कॉमन क्या आ रहा है बताओ सभी, एक तो माइनस 2 और y कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2y, तो देखो d2y/, चलो यहां ही करा देता हूं, d2y/dx2 y^4 माइनस का 2y कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या रहेगा बताओ y रहेगा, क्या रहेगा बच्चों y डॉट x प्लस ए, दो तो कॉमन ले लिया, फिर यहां देखो माइनस के 2y कॉमन ले रहे हैं, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस x² प्लस में क्या आया
दो ए एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा। y की घात एक कैंसिल हो गई। फिर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पुट दोबारा करना पड़ेगा हमें, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस अपॉन वाई स्क्वायर। क्यों करेंगे? क्योंकि ये ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स विलोप है, वाई वाला है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वाला है, परंतु डी वाई अपॉन डी एक्स वाला नहीं है। तो हम विलोप कर रहे हैं आप समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक से डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो कितना आएगा माइनस का दो, वाई की घात एक कैंसिल हो जाएगी बच्चों, क्या रहेगा वाई की क्यूब, फिर y डॉट x प्लस a, x प्लस a, फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस दो ए एक्स और dy वाई पॉन डी एक्स का मान पुट करें, क्या आएगा माइनस का है ना, तो यहां मैं माइनस कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस दो ए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ध्यान देंगे सभी, लघुतम लीजिए इसका, वाई की क्यूब डी टू वाई पॉन डी एक्स टू माइनस का दो वाई की, यहां भी वाई की क्यूब होगा, देखो वाई की क्यूब स्क्वायर का गुणा हम किससे कर रहे हैं वाई से, क्या आएगा वाई की क्यूब डॉट एक्स प्लस ए, फिर देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दो ए एक्स का होल स्क्वायर आ जाए। लघुतम ले रहे हैं तो वाई की स्क्वायर को हम ले रहे हैं तीन, अंश के बटे वाली संख्या किस में चल जाएगी हर में, वाई स्क्वायर, अंश डॉट प्रोडक्ट में घात है वो जुड़ जाती है, तो वाई की घात पांच हो जाएगी। डी टू वाई पॉन डी एक्स टू माइनस का दो वाई की क्यूब एक्स प्लस ए, इनका करो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, x की 4 फिर b की 2 का होल स्क्वायर 4, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 2ab, 2 दुआ 4 a एक्स स्क्वायर डॉट x कितना जाएगा x की क्यूब, y की घात कितनी हो जाएगी 5। समझ में आ गई बात? अब मैं यहां कर रहा हूं एक बार, यहां ध्यान दें समीकरण, y की क्यूब का मान पुट करो, y की क्यूब बराबर क्या है माइनस x की क्यूब प्लस 3ax2। क्यों कर रहे हैं पुट y की क्यूब? क्योंकि नीचे हर के अंदर y की घात 5 है, y की क्यूब का पद विलोप करना हमें, तो इसमें विलोप कर दीजिए प्रतिस्थापित, x की क्यूब माइनस का चल जाएगा 3ax2। किसके स्थान पर करेंगे बच्चों? यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ध्यान देंगे जो सिद्ध करना है उसमें हमारे पास y वाला पद नहीं है, इसमें नीचे हर में है, तो आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो डी टू वाई पॉन डी एक्स टू वाई की घात 5 माइनस 2 वाई की क्यूब का माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3ax2 डॉट में क्या है x प्लस ए, इनको हल कर लीजिए बाहर ले जाइए, माइनस का क्या रहा है मैं यहां कर रहा हूं माइनस x की घात 4 माइनस 4ax2x2 माइनस 4ax की क्यूब, सभी माइनस में हो जाएंगे क्यों ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है माइनस का चिन्ह। अब इसको हल कर लीजिए डी टू वाई पॉन डी एक्स टू y की घात 5 माइनस 2 इनका गुणा करो माइनस x की क्यूब का गुणा किससे करेंगे x से, तो माइनस x की घात 4 फिर माइनस का गुणा इससे करेंगे क्या आएगा माइनस ए एक्स की क्यूब, फिर देखो इनका गुणा करो माइनस का 3 a कितना आया बच्चों x की क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस का 3ax2x2 माइनस का 3ax2x2 और ये आगे है यहां देखो x की 4 माइनस 4ax2x2 माइनस का 4ax3, तो देखो माइनस का ax3 माइनस का 3ax3
माइनस के कितने हो जाएंगे, 4ax³, ये माइनस के 4ax³ दोनों कैंसिल हो गए, एक्स की 4 से एक्स की 4 कैंसिल हो गई, माइनस का 4a² x² और ये माइनस के कितने 3a², ये तो साथ एक प्लस होना चाहिए, दोबारा देखना पड़ेगा इसमें, एक्स प्लस ए वाई की क्यूब का मान पुट करेंगे, हमारे पास क्या है मान, एक्स की क्यूब एक्स प्लस ए, इसमें प्लस होगा, थोड़ा ध्यान करना होगा, देखो y की क्यूब का मान पुट किया हमारे पास माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3ax², तो माइनस एक्स की 4 माइनस 3ax³ नहीं सॉरी ax की क्यूब, फिर इसके अंदर माइनस का 3ax³ कैंसिल, फिर माइनस का 3a² x², यहाँ दोनों 4 हो गया, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, आप देख लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक मिलेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, रूल यही लगेगा सभी में, प्लस और माइनस में गलती हुई है, आप चेक कर लेना बच्चों सभी, तो कितना आएगा देखो, माइनस का 2 ये रहेगा, मतलब माइनस का 4a प्लस का 4ax² और ये आएगा 5a² x² माइनस का नहीं सॉरी माइनस का 4a² x² और प्लस का 2a² x², तो अपॉन y की घात 5, तो कितना रहा नहीं प्लस का 4 और ये माइनस के 2 ये रहेंगे ऐसे, तो माइनस का 3, तो कितना रहेगा d2y / dx2 माइनस का 2 एक रहेगा ना, a² x² y की घात 5 पक्षांतरण करोगे d2y / dx2 तो प्लस का 2 a² x² / y की घात 5 ये आ जाएगा, ये प्लस का होना चाहिए, दोबारा देखते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक मिनट सॉरी माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ये माइनस और रहेगा दोबारा, क्यों, चलो आप देखना प्लस और माइनस, यहां भी मिस्टेक है थोड़ा, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, बाकी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूल सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, ठीक, ओके।